Hello everyone, good morning. Today we are going to understand about the use of auxiliary verb. Auxiliary verb हम इसको कहेंगे. Auxiliary verb उन verbों को कहेंगे जिसके बाद noun, pronoun या adjective आता है, ना कि मेन वर्ब आता है. या इन अदर वर्ड वी कैन टेल जब हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलियरी वर्ब मुख्य वर्ब का काम करता है तो वह ऑक्सिलियरी वर्ब कहलाता है. मतलब हेल्पिंग वर्ब के बाद या ऑक्सिलियरी वर्ब के बाद कोई भी मेन वर्ब नहीं आएगा, या स्वयं में वर्ब में काम करेगा, उस कंडीशन में ऑक्सिलियरी वर्ब कहलाएगा और हमेशा इसके बाद नाउन प्रोनाउन या एडजेक्टिव ही ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा. इसका फर्स्ट पार्ट है, इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस नाउन ऑब्लिक प्रोनाउन ऑब्लिक एडजेक्टिव. एग्जांपल देखेंगे इसका. ही इज अ डॉक्टर, वह डॉक्टर है. सी इज एन लायर, वह वकील है. राम इज एन ऑनेस्ट बॉय, राम एक ईमानदार लड़का है. इज ही एंग्री, क्या वह नाराज है. रानी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, रानी सुंदर लड़की. रोहित इज नॉटी बॉय, रोहित एक शरारती लड़का है. और सचिन इज ए गुड क्रिकेटर, सचिन एक अच्छा क्रिकेटर है. इस प्रकार इच के बाद ये सब नाउन आ रहे हैं. टीचर नाउन है, लायर नाउन है, ऑनेस्ट एडजेक्टिव है, एंग्री एडजेक्टिव है, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, नाटी एडजेक्टिव है, बॉय नाउन है, क्रिकेटर नाउन है. सेकंड देखेंगे यूज ऑफ एम. तो आई एम ए डॉक्टर, मैं डॉक्टर हूं. आई एम नॉट योर ब्रदर, मैं तुम्हारा भाई नहीं हूं. एम आई इंटेलिजेंट, क्या मैं होशियार हूं. आई एम ए पोस्टमैन, मैं पोस्टमैन हूं. आई एम ए गुड प्लेयर, मैं एक अच्छा खिलाड़ी हूं. आई एम हंग्री, मैं भूखा हूं. आई एम सेल्फ डिपेंड, सेल्फ डिपेंड मतलब आत्मनिर्भर, मैं आत्मनिर्भर हूं. आई एम अनहैप्पी, मैं दुखी हूं. इसी प्रकार हम आर का यूज देखेंगे. यू आर माई फ्रेंड, तुम मेरे मित्र हो. आर यू एंग्री, क्या तुम नाराज हो. चिल्ड्रन आर नॉटी, बच्चे शरारती हैं. दे आर माय स्टूडेंट्स, वे मेरे विद्यार्थी हैं. वी आर टीचर्स, हम शिक्षक हैं. गर्ल्स आर ब्यूटीफुल, लड़कियां सुंदर हैं. यू आर मैड, और तुम पागल हो. यू आर ऑल राइट, तुम सही हो. दो हजार बुक्स, वे पुस्तकें हैं. आई एम फाइन लिख सकते हो. आई एम फाइन, आई एम ओके, लाइक दिस. इन सब का इंट्रोगेटिव, निगेटिव, अफर्मेटिव और इंट्रो निगेटिव भी बना सकते हैं. एक एक एग्जाम्पल देखते हैं. ही इज ए टीचर, निगेटिव बनाएंगे तो ही इज नॉट ए टीचर. इंट्रोगेटिव में इज ही ए टीचर, इंट्रो निगेटिव में इज ही नॉट ए टीचर. सी इज ए लायर, सी इज नॉट ए लायर. Is she a liar? Is she not a liar? Are you a doctor? Am I a doctor? I am not a doctor. Am I
I am fine. I am not fine. Am I fine? Am I not fine? आपको देखें, you are my friend. You are not my friend. Are you my friend? Are you not my friend? इस प्रकार इन चारों का अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव चार प्रकार से सेंटेंस अपन इस सारा को बना सकते हैं। और ये सिंपल है, इस प्रकार के डिफरेंट सेंटेंस आप स्वयं भी बना सकते हैं। हो, आप सबको ये बात समझ में आई होगी। थैंक्स एना फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड सी यू नेक्स्ट वीडियो।